हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम ओएस पी एफ राउटर्स के ऊपर राउटर आई डी को कैसे कन्फिगर करते हैं राउटर आई डी असाइनमेंट के कुछ रूल्स हैं जैसे कि सबसे हाइएस्ट प्रायोरिटी मैनुअली कन्फिगर्ड राउटर आई डी को मिलती है उसके बाद जो सेकेंड प्रायोरिटी है वो हाइएस्ट आई पी ऑफ लूपबैक इंटरफेस जो होता है उसको मिलती है और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी मिलती है फिजिकल इंटरफेस को यानी कि फिजिकल इंटरफेसिस के ऊपर जिस इंटरफेस के ऊपर हाईएस्ट आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस को ओ प्रोसेस एज अ राउटर आई यूज कर लेता है और अगर राउटर के ऊपर लूबैक इंटरफेस कन्फिगर्ड है और अगर उसका आईपी एड्रेस फिजिकल इंटरफेस के ऊपर कन्फिगर्ड एड्रेस से लोएस्ट भी है फिर भी लूबैक इंटरफेसिस के ऊपर कन्फिगर्ड एड्रेस को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है और अगर आपने मल्टीपल लूप बैक इंटरफेसेस को कन्फिगर किया हुआ है तो उनमें से जिसके ऊपर भी हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा वो एज अ ओएस पी एफ राउटर आई यूज होगा और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मैनुअली कन्फिगर्ड राउटर आई को मिलता है तो चलिए हम पैकेट रेसर के ऊपर जाकर जो हमने ओएस पी कर रखी है उसके ऊपर चेक करते हैं कि क्या राउटर आई है और उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं तो देखिए मैं अपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर आ गया आपके सामने वही टोपोलॉजी है जो हमने ओ एस में यूज की थी और जो जो आई पी एड्रेसेज कन्फिगर्ड है जिन इंटरफेसिस के ऊपर वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कि राउटर ए के सीरियल जीरो स्लैश जीरो के ऊपर टेन डॉट टेन डॉट टेन डॉट वन आई पी एड्रेस कन्फिगर्ड है और इसी तरीके से राउटर ए के फास्ट एथरनेट के ऊपर फास्ट एथरनेट जीरो स्लैश जीरो के ऊपर वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट वन डॉट वन कन्फिगर्ड है तो इस राउटर के ऊपर कोई लूपबैक इंटरफेस कन्फिगर्ड नहीं है और ना ही हमने मैनुअली राउटर आईडी भी इसके ऊपर कन्फिगर की है तो कंसेप्चुअली 192.168.1.1 जो आईपी एड्रेस है ये इस राउटर का राउटर आईडी होना चाहिए मैं इस राउटर को क्लिक करता हूं और इसके हम सी मोड में जाते हैं और यहां पे जाने के बाद एनेबल मोड में जाते हैं और यहाँ पे एक कमांड लिखते हैं शो आई पी प्रोटोकॉल्स और एंट्रो की को प्रेस करता हूं मैं तो देखिए आपके सामने दिखा रहा है कि राउटिंग प्रोटोकॉल ओ एस कन्फिगर्ड है विद प्रोसेस आईडी 10 और इस राउटर का राउटर आईडी है 192.168.1.1। इस राउटर के ऊपर कोई वर्चुअल इंटरफेस कन्फिगर्ड नहीं है इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ शो आई पी इंटरफेस ब्रीफ कमांड शो आई पी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से हमारे सामने हमारे फिजिकल इंटरफेसिज आ रहे हैं और लूपबैक इंटरफेस कोई भी कन्फिगर्ड नहीं है तो चलिए जल्दी से एक लूपबैक इंटरफेस कन्फिगर कर लेते हैं तो इसके लिए मैं कॉन्फिग्रेशन मोड में जाता हूँ और यहां पे कमांड लिखता हूं इंटरफेस लू बैक और उसका आईडी जो भी आईडी मैं देना चाहता हूं जैसे कि वन तो मैं वन लिखता हूं तो आपको बता रहा है कि इंटरफेस लूप बैक अप हो गया है अब यहां पे हम एक आईपी एड्रेस ड्रेस कन्फिगर करते हैं विद कमांड आईपी एड्रेस और उसके बाद जो भी आईपी एड्रेस हम कन्फिगर करना चाहते हैं मान लीजिए हंड्रेड डॉट हंड्रेड डॉट हंड्रेड डॉट हंड्रेड और इसका सबनेट मास्क जो भी आप सबनेट मास्क रखना चाहें हम डिफॉल्ट मार्क्स रखते हैं .0 .0 .0 और को प्रेस कर देते हैं तो देखिए ये आईपी एड्रेस कन्फिगर हो गया है सामने आ रहा है और अब हम जरा शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाते हैं और देखिए यहाँ पे जो राउटर आईडी है वो अभी भी 192.168.1.1 है इसका कारण ये है कि जब तक ये राउटर रीस्टार्ट नहीं होता या फिर हम प्रोसेस को रिस्टार्ट नहीं करते क्लियर नहीं करते तब तक हमारी राउटर आई डी चेंज नहीं होती है तो मैं यहाँ पे देखिए प्रिवलेज मोड में एक कमांड लिखता हूँ क्लियर आई पी ओ एस पी एफ और एंट्रो की को प्रेस करता हूँ तो आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि सभी ओ एस पी एफ प्रोसेसिस को रिसेट किया जाए या नहीं तो वाई की को प्रेस करते हैं और एंट्रो की को प्रेस करते हैं तो देखिए प्रोसेसेस रीसेट हो गए हैं और दोबारा से शो आई पी प्रोटोकॉल कमांड को हम रन करते हैं तो देखिए इस बार राउटर आईडी आपके सामने 100.100.100.100 .100 .100 .100 हो गई है यानी कि लूप बैक आईपी ड्रेस अगर कन्फिगर्ड हो और वो चाहे फिजिकल इंटरफेस के ऊपर कन्फिगर्ड आईपी ड्रेस से कम ही क्यों ना हो तब भी उसे प्रेफरेंस मिलती है चलिए अब हम मैनुअली राउटर आईडी को कन्फिगर करके देखते हैं कि उसको हाइस्ट प्रायोरिटी मिलती है कि नहीं मिलती तो इसके लिए मैं कॉन्फिग्रेशन मोड में जाता हूँ और यहाँ से राउटर ओ with विथ प्रोसेस आई डी टेन क्योंकि हमने देख लिया है कि हमारे इस राउटर के ऊपर ओ कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फिग्रेशन हमने विद प्रोसेस आई डी टेन कर रखी है तो यहाँ पे एंटर की को प्रेस करता हूं और यहाँ पे एक कमांड लिखता हूं राउटर आईडी और उसके बाद कुछ भी आईडी दे देता हूं मान लीजिए वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन और एंटर की को प्रेस करता हूं देखिए आपसे बोला जा रहा है कि आपको क्लियर आईपी ओ प्रोसेस कमांड रन करनी होगी तभी ये जो आपने राउटर आईडी मैनुअली कॉन्फ़िगर की है ये इस राउटर की आईडी बन सकेगी तो हम जरा कंट्रोल जेड प्रेस करके प्रिवलेज मोड में आते हैं और यहां पे दोबारा से क्लियर ओएसपीएफ प्रोसेस कमांड को रन करते हैं वाई की को प्रेस करते हैं और शो आई पी कमांड को रन करते हैं तो देखिए यहां पे इस बार आपकी राउटर आईडी वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन डिस्प्ले हो रही है तो इसी के साथ ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है तो यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर हमारे राउटर के ऊपर राउटर आईडी मैनुअली कंफिगर्ड हो और लू बैक इंटरफेस भी कंफिगर्ड हो तो दोनों में से किसे प्रायोरिटी मिलेगी इस क्वेश्चन का आंसर आप 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें तो इस वीडियो में हमने जाना कि ओएसपीएफ राउटर आईडी को कैसे कंफिगर किया जाता है और उसके असाइनमेंट के क्या रूल्स हैं ओएसपीएफ राउटर आईडी के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं कि राउटर आईडी क्या होती है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर लिसनिंग